गाइस तुम्हारा भाई आ चुका है फिर से एक न्यू वीडियो लेके। तो आज वीडियो की टॉपिक है कबूतरों को गर्मी में कैसे नहलाएं और क्या चीज़ डाल के नहलाएं पानी में। तो वीडियो में बने रहिए, चलो शुरू करते हैं। तो हे गाइस, आप देख सकते हो कबूतर नहाने के लिए रेडी हो चुके हैं। आप देख ही सकते हो इतनी गर्मी पड़ रही है, कबूतर पगला गए हैं। तो आपको दिखाते हैं आज पानी में क्या डाला जाता है। और देसी है भाई, सबसे बेहतरीन फिटकरी आप देख के ही बता सकते हैं कैसी फिटकरी है। बहुत तगड़ी फिटकरी है, कबूतरों के जू जो भी होते धूल वूल सब निकाल देते हैं कीड़े, क्योंकि नहाने से कबूतरों के शरीर में जो गंदगी होती है वो निकल जाती है। तो इनको हफ्ते में 3 बार या 4 बार नहलाए, ज़रूर नहलाए। जिस दिन धूप निकले तो ज़रूर नहलाए। तो आपको दिखाते हैं भाई फिटकरी कौन सी है। तो भाई आप ये देख सकते हो, ये फिटकरी लाल कलर की नाई वालों के पास मिलती है। ये फिटकरी, तो इसको हम पानी में डालते हैं। अब देखिए कबूतर नहाते कैसे। देखिए नहा कैसे रहे हैं। अभी इधर नहाने के लिए सब कबूतर रेडी हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ कबूतर यहाँ बैठे हुए हैं, बाकी तो नहाने के लिए रेडी हो चुके हैं। ये देखिए कितने शान से नहा रहे हैं, नहाने में कितना मज़ा आता है। लेकिन गाइस ज़रूर कबूतरों को नहलाना चाहिए। देखिए नहा के एक कबूतर कैसा हो चुका है, ये लाल तांबड़ा कबूतर है, देखो कैसा हो चुका है, इतना नहाया है आप देख सकते हो। देखो ये अभी नहाने के लिए बैठी हुई है, जहाँ जगह मिला वो भी घुस जाएगी। तो आप देख सकते हो ये हमारा सफ़ेद पंजाबी बच्चा भी आ चुका नहाने के लिए ऊपर से। तो आप देख सकते हैं, ये देखो गाइस। तो आप वीडियो में बने रहे, आपको नहाते हुए कबूतर दिखाते हैं कितने शान से नहा रहे। देखिए हमारा घर का बच्चा है, ये भी नहा चुका है। ये देखो काला देखो नहा के कितने मज़े से बैठा हुआ है। ये हमारा गोला, आप देख सकते हैं गाइस नहा कैसे रहे। ये हमारा बच्चा और मजे से देख सकते हैं। जो कबूतर एक बार नहा चुका है वो दोबारा नहाने जा रहा है, देख सकते हैं। ये कबूतर अभी नहा चुका था फिर नहाने जा रहा है। देखिए ये हमारा सैंधा कबूतर आ चुका नहाने के लिए, देख सकते हैं गाइस नहा कितने मज़े से रहे, कितने मज़े से रहे। भाई ये मत करना गर्मी में तुम क्यों लोहे के बर्तन में नहला रहे हो। भाई हम पे यही था तो हम इसी में नहला रहे, हमें लॉकडाउन की वजह से टब मिला नहीं तो हम टब ला नहीं पाए, तो यही ला पाए तो इसी में नहला रहे। जब टब आ जाएगा तो टब में नहलाएंगे। तो गाइस वीडियो में बने रहे। तो देख सकते हैं गाइस ये हमारा कांसना कबूतर है, नहा कैसे रहा है। कबूतर नहाने के लिए पागल हो चुके हैं गाइस, इतनी गर्मी है, नहा कितने मजे से रहे। तो नहाना आगे ऊपर भग गए सारे। तो गाइस हमारा ये लाल तांबड़ा कबूतर देखिए ऐसा नहाया है, पूरा नहा चुका है, पूरा कब अपने जितने परवर है सब भिगा लिए। तो देखिए गाइस ये हमारा घर का बच्चा है, इसे नहाने के लिए तलब कैसे मची हुई है।
तो वीडियो में बने रहे गाइस। देखो अब हल्की सी धूप कम हो गई है गाइस, बादल आ चुके हैं आसमान में इसलिए धूप कम है। अब ये नहा रहे लोग गाइस, फिर आ चुकी है धूप, फिर आ गई धूप, खिलने लग गया। तो आप वीडियो में बने रहें। तो गाइस नहाना हो चुका है सबका, तो थैंक यू गाइस वीडियो को वॉच करने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।